नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। कोरोना वायरस का खतरा लगातार बना हुआ है। भले ही तीसरी लहर ने दस्तक ना दी हो, लेकिन अब देश में कई राज्यों के ताजा आंकड़े डरा रहे हैं। इस बीच नए वेरिएंट से भी हड़कंप मच गया है। दरअसल कोरोना वायरस का डेल्टा से ज्यादा संक्रमक रूप दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवान में मिला है। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी हरकत में आ गया है और दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग भी सख्त निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से एक बार फिर पूरी दुनिया चिंता में आ गई है। जब कई देशों में कोविड के मामले अब कम होने शुरू हो गए थे, तब फिर एक नए वेरिएंट ने हर किसी को डरा दिया है। ये नया वेरिएंट साउथ अफ्रीका में पाया गया है। कहा जा रहा है कि ये काफी तेजी से फैलता है और इसका म्यूटेशन 30 से अधिक बार हो चुका है। इस वेरिएंट को B11529 नाम दिया गया है। इस वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया सतर्क है। भारत सरकार ने भी सभी राज्यों को मुस्तैद रहने के लिए कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के नए वेरिएंट से प्रभावित देशों से आ रहे लोगों की स्क्रीनिंग के निर्देश जारी कर दिए हैं। भारत आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कोरोना जांच कराई जाएगी। हाल ही में वीजा पाबंदी में ढील और इंटरनेशनल ट्रैवल में छूट दी गई थी। ऐसे में इसको लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। रैपिड टेस्टिंग पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। सरकार की इस पूरी सतर्कता के पीछे वजह भी वाजिब है, क्योंकि दूसरी लहर में कोरोना वायरस ने भारत में जमकर कहर मचाया था और कोरोना डेल्टा वेरिएंट को इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार माना गया। यूरोप और बाकी देशों में कहर बरपा रहे डेल्टा वेरिएंट के डर से कई भारतीय अपने मुल्क लौट आए थे। एयरपोर्ट पर कहीं न कहीं टेस्टिंग में चूक हुई थी और फिर धीरे धीरे इस वेरिएंट ने कहर मचाया था। ऐसे में इस बार केंद्र सरकार विशेष सतर्कता बरत रही है। लगातार म्यूटेंट हो रहे इस वेरिएंट ने WHO के साथ वैज्ञानिकों की भी टेंशन बढ़ा दी है। 30 से अधिक बार रूप बदलना सबसे खतरे की बात है। दूसरी लहर में डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट इसी तरह म्यूटेंट होकर जानलेवा साबित हुआ था। सबसे चिंता की बात यह है कि मौजूदा वैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ कारगर है या नहीं, इसकी स्टडी की जा रही है। इसमें वक्त लग सकता है। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि तब तक ये वेरिएंट कहर ना बरपाना शुरू कर दे। इस बीच WHO की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने अहम बैठक बुलाई है। उस बैठक में इस नए वेरिएंट को लेकर मंथन होने वाला है। WHO का कहना है कि इस वेरिएंट पर अभी और रिसर्च करने की जरूरत है। सबसे जरूरी है कि हम अधिक से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाएं, ताकि इससे मुकाबला किया जा सके। वैसे इस नए वेरिएंट को लेकर ज्यादा चिंता इसलिए भी है क्योंकि अभी तक ये नहीं पता है कि ये कितनी तेजी से फैल सकता है। दुनिया भर के विशेषज्ञ इस वेरिएंट को बड़ा खतरा मान रहे हैं। यही कारण है कि दूसरे मुल्कों ने अफ्रीकी देशों की फ्लाइट पर पाबंदी लगा दी है। कोरोना का नया वेरिएंट सामने आने के बाद अब लोगों को फिर से लॉकडाउन का डर भी सताने लगा है। ऐसे में यूरोपियन देशों ने तो COVID-19 बूस्टर वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना भी शुरू कर दिया है। साथ ही नियमों में सख्ती भी शुरू कर दी गई है। स्लोवाकिया ने तो 2 हफ्तों के लॉकडाउन की घोषणा भी कर दी है। वहीं जर्मनी में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई है। वहीं मोदी सरकार ने राज्यों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं और दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने वाले यात्रियों की अच्छी तरह से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। प्राइम टीवी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।